Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ayesha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve.IAS. So जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली बेसिस पे द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस लेते हैं. सो टुडे इज 21 मई, थर्सडे है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज एनालिसिस. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे रिवर्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए, जो अपने अपने व्यूज़ और आंसर देते हैं, थैंक यू सो मच. आप बिल्कुल इन्वॉल्व्ड हैं, पार्टिसिपेटेड हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने व्यूज़ और एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी जो लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन कमेंट्स को, उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और नॉलेज मिलता है. इवन मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों से कि वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और बिल्कुल इन क्वेश्चंस को आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें. नो मैटर वॉट यू आर गिविंग, हो सकता है आपके आंसर्स कहीं ना कहीं हो सकता है अप टू द मार्क ना हो, लेकिन ये सोचने के हम पीछे नहीं हट सकते. वी हैव टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना होगा और बिल्कुल उस जोश के साथ में आगे बढ़ना होगा कि नहीं, हमें इम्प्रूवमेंट लाना है हमें, है ना. सो प्लीज़ ट्राई टू आंसर, प्लीज़ ट्राई टू गिव योर प्रीशियस टाइम. आप अपना वैल्यूबल टाइम दीजिए, बिल्कुल आप आंसर दीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे. ओके, सो द टुडेज न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम आज. फर्स्ट न्यूज़ है अम्फान, जो कि एक साइक्लोन है, रिसेंटली हिट किया है इसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को. 5 लोगों की जान जा चुकी है. इसके अलावा हज़ारों घर जो है बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, ट्रीज़, इलेक्ट्रिसिटी पोल, सब कुछ अपरूट हो चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ में ये सब चीज़ें हुई. और बहुत अच्छा, 2 दिन पहले से, क्योंकि हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ये चेतावनी या सूचना, हम कह सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, इवन सभी डिपार्टमेंट्स को दे दी गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी क्रूज़ जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, काफ़ी टीम्स जो है वो वर्क कर रही थी. इसी वजह से जो है हम मैक्सिमम लेवल पर पर्संस की, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे जो नुकसान हमें जान माल का हुआ है उससे बच सकते हैं. हालांकि काफ़ी कुछ नुकसान ऑलरेडी हुआ है, लेकिन जो पहले चेतावनी मिल गई थी डिपार्टमेंट द्वारा, वो पहले से जो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, उस बेसिस पे हमने सिक्योरिटी मेजर्स को भी फॉलो कर लिया था. ओके, सो हाँ ठीक है, ये काफ़ी हिट किया है, स्पेशली भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, वहाँ पे ज़्यादा हिट किया है और काफ़ी जगहों पर आसपास के एरियाज़ में. अब वो एरियाज़ जो है ऑलरेडी खाली कर दिए गए थे, इस वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लोगों का हमें, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी लॉसेस होने के बाद भी हम काफ़ी सेफ एरिया में हैं. एंड इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कैसे इस साइक्लोन ने हिट किया है, ये पूरा इसका मैप दे रखा है, कहाँ से, किस तरीके से, किस एरियाज़ में, किस स्पीड में जो है ये विंड्स अटैक कर रही थी. ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है डोमेस्टिक फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑन मई 25th से स्टार्ट हो जाएगा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स. जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई फ़्लाइट्स रन अप नहीं करेगी अभी, अभी सिर्फ जो फ़्लाइट सर्विसेज, या हम कह सकते हैं एयर सर्विसेज स्टार्ट हो रही है, वो डोमेस्टिक लेवल पे हो रही है. ओके, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी. कुछ जो इंटर स्टेट्स, हम कह सकते हैं, फ़्लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी. ओके, और ये जो है, अच्छा, एक आपके लिए आज का जो होमवर्क रहेगा, जो आपके लिए जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा, जिसके ऊपर आप आंसर राइटिंग भी कीजिए, और मैंने आपसे मेरा लिंक शेयर ऑलरेडी कर रखा है कि आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे जो है उस आंसर को सेंड कीजिए, सो दैट आई कैन इवेल्यूएट. मैं इवेल्यूएट करूँगी और आपको उसके लिए मार्क्स भी दूँगी. मैं उन आंसर्स को इवेल्यूएट करके प्रॉपर मार्क्स भी दूंगी, और किस एरिया में आप लैक कर रहे हैं, आपको किस एरिया में कार्य करने की ज़रूरत है, उस क्षेत्र में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी. ओके, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मैक्सिमम लेवल पे न्यूज़ एनालिसिस में पार्टिसिपेट कीजिए. मैक्सिमम लेवल पे इन सारी न्यूज़ को जो डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे नोट कीजिए. और आज से एक नया, एक और इनिशिएटिव हम लेकर आए हैं. हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं कुछ जो है क्वेश्चंस पुट करूँगी, 2-3-4
क्वेश्चन जो है या 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे न्यूज़ एनालिसिस की, इट्स जस्ट लाइक रिवीजन। हम जो आधा पौन घंटा यहाँ डिस्कस करते हैं, 25 मिनट्स 30 मिनट्स हम जो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, इट्स जस्ट लाइक पोल कैटेगरी में होगा, पोल फॉर्म में होगा, सो दैट आपको सिर्फ पोल आउट करना है, इट्स नॉट अबाउट डिस्कशन एंड ऑल। उसके बाद भी ये तो रिविजन पैटर्न होगा, इसके अलावा जो न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूँगी। सो अचीव IAS नाम से हमारा ग्रुप है जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, मैक्सिमम लेवल पे आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने मेरा लिंक शेयर किया है आपसे, @ayushi_1225, ये मेरा जो टेलीग्राम लिंक है आप इस पे जाइए एंड डेफिनेटली मुझे आंसर सेंड कीजिए। वेन एवर आई विल गेट योर आंसर, आई डेफिनेटली जब भी मैं देखूंगी, जब भी मैं उन आंसर्स को रिव्यू लूँगी, मैं डेफिनेटली आपको उसके आंसर, उसका जो एवोल्यूशन है, उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे प्लस में जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स के साथ में मैं आपको इवेल्यूएट करके मार्क्स के साथ में आपका आंसर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है वो LAC से रिलेटेड है। आपको पता है चाइना इंडिया के बीच में LAC से रिलेटेड बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, तो आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको मुझे इन इश्यूज़ पर, जो रिसेंट इश्यूज़ फेस कर रहे हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर को लेकर, उस पे आप मुझे कुछ बताएंगे, आप अपने व्यूज़ लिख के देंगे कि क्या इशू है, इस पर आंसर लिखिए बिल्कुल। और इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताइए आप ये चीज़ें कि है क्या LAC से रिलेटेड क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज़ नेपाल का न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, जिसके बारे में इंडिया का कहना है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। ओके, सो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कैरी नहीं करता ये मैप, नेपाल का न्यू पॉलिटिकल मैप, इसीलिए इंडिया ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ठीक है, सो ये जो है, अब हम ये एक और न्यूज़ है, हरियाणा जिसने कि बस सर्विसेज रिज्यूम करने का जो डिसीज़न लिया था उसे वापस से रोल बैक कर दिया गया है। इट मींस ये डिसाइड किया गया है कि हम अभी इंटर स्टेट बस सर्विसेज रिज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, ये डिसीज़न कुछ इमरजेंसी बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इमरजेंसी मेजर्स के तहत लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की। एक और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ बन जाती है वो ये है, लोकस्ट से रिलेटेड, लोकस्ट अटैक हुआ है 11 अप्रैल से करीब ये स्टार्ट हो चुका है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। मैं आपको बता देती हूँ, लोकस्ट जो है एक तरह का अटैक है जिसमें एक स्पीसीज ऑफ सम इंसेक्ट जो है वो अटैक करते हैं एक साथ में बहुत बड़े ग्रुप के अंदर, जो कि वहाँ पे सब कुछ तहस नहस करके रख दे, वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं ना, जैसे कि साइक्लोन या अदर चीज़ें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उसी तरीके से लोकस्ट अटैक भी होता है। तो लोकस्ट जो है वो ऑलरेडी थार डेजर्ट को क्रॉस कर चुके हैं और राजस्थान के 33 में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑलरेडी जो है इन्वेट कर चुके हैं, मतलब इफेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो इसके लिए जयपुर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, बुलाई गई थी जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था, इम्पॉर्टेंट मेजर्स फॉलो करने की बात की गई थी कि कैसे इस लोकस्ट को हम रोक सकते हैं, सो दैट हम लोग बेसिकली इस इशू से, देखिए ऑलरेडी 2020 इज़ लाइक यू नो किलर ईयर, ऑलरेडी हम बहुत सारे इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को देख रहे हैं, लाइक COVID-19 एंड देन ये जो साइक्लोन है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस साल के अभी तो हम लोग हाफ पोर्शन में पहुंचे भी नहीं हैं, हाफ क्रॉस भी नहीं हुए हैं, तब तक हमने बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी देख लिए हैं और इसी बीच में भी लोकस्ट अटैक भी हमारे लिए एक इशू बनकर आया है। सो लेट्स सी राजस्थान गवर्नमेंट इसे कैसे हैंडल करती है, कैसे इसे आगे बढ़ने से रोकती है और कैसे इसके ऊपर वर्क किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लोकस्ट अटैक ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बार हो चुका है पाकिस्तान के एरिया से, पाकिस्तानी क्षेत्र से आता है ये, और बॉर्डर क्रॉस, राजस्थान पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके थार डेजर्ट से होते हुए
राजस्थान में एंटर करता है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट इज़ लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट हमने ऑलरेडी बना रखा है जो इस पर कार्य करता है। तो उम्मीद है कि ऐसे इस तरह का लोकस्ट अटैक जो अभी रिसेंट हम सर्वाइव कर रहे हैं उससे राजस्थान गवर्नमेंट या लोकस्ट डिपार्टमेंट प्रॉपर वर्क करके हमें बचा सकता है या इस पर कार्य कर सकता है। पॉजिटिव वर्क जो है या पॉजिटिव नोट्स देखने को मिलेंगे। ओके सो एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एडिटोरियल इज चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं बीजिंग का जो सुपर पावर या एम्बिशियस जो पावर आउटरीच था, का जो ड्रीम था, एम्बिशन था, तो वो कहीं ना कहीं जो है स्टॉप हो चुका है या उसका खत्म ही हो चुका है जो वो करना चाह रहे थे बीजिंग से रिलेटेड। सो इट इज़ अ गुड रीज़न फॉर अस कि हम इस टॉपिक, इस पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़ें और इस पर कार्य करें। जैसा कि हम सभी को पता है कि COVID-19 से पूरा देश, पूरा विश्व जो है हिल चुका है। इवन चाइना जो है, क्योंकि चाइना का ओरिजिन है COVID-19, चाइना से ओरिजिन हुआ इसका, तो अपने आप में चाइना एक कल्प्रिट के रूप में सामने आता है। तो इस दौर में उसको पावर बेसिस पर वर्क करने की बजाय हम उसकी ये ज़रूरत है, चाइना की ज़रूरत है कि वो उन क्षेत्रों में कार्य करें जो उसे पॉजिटिव एटीट्यूड ले दिलाए COVID-19 के बाद में सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। बिकॉज काफ़ी देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिस्पॉन्ड करना है चाइना को, इंटरनेशनल लेवल पे जवाबदेही बनती है चाइना की, उन्हें जवाब देना होगा कि ये सारी सिचुएशंस कैसे क्रिएट हुई है, क्यों हुई है, COVID-19 के ओरिजिन का जो है रिस्पॉन्स देना होगा चाइना को। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि चाइना को फॉलो करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि वो खुद को टॉप क्लास कैटेगरी में लेकर आए। या खुद के पावर को एनहांस करने की कोशिश करने की बजाय चाइना नीड टू वर्क ऑन इट्स इकोनॉमी, चाइना नीड्स टू वर्क ऑन इट पर्टिकुलर कंट्री डेवलपमेंट, ओके एंड टूवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो। सो इट वाज ऑल अबाउट इट, ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, सो यू विल गो थ्रू इट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है वर्किंग सेफली। वॉट इज़ वर्किंग सेफली? जैसा कि आप सभी को पता है एम्प्लॉयर्स जो है अभी स्टार्ट हो चुके हैं, वर्किंग एरिया स्टार्ट हो चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी गई हैं। सो एम्प्लॉयर्स शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड अटेंडेंस एंड एनकरेज स्टाफ प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयर्स की ये ज़रूरत है कि वो जो कम हुई जो अटेंडेंस है, जो मतलब कि जो हम कह सकते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अटेंडेंस जो एब्सेंट मार्क हुई है अब तक इतने दिनों में, तो ये ज़रूरत है सरकार की, सॉरी एम्प्लॉयर्स की, कि वो इस की तरफ ध्यान बढ़ाते हुए, उसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को प्रोटेक्शन के साथ में एनकरेज करें, उसके प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें एनकरेज करने का कार्य करें। तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, जैसा कि प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो चुका है लॉकडाउन के दौर में भी, इवन पार्शियली स्टार्ट हुआ था और अब तो काफ़ी क्षेत्र खुल चुके हैं ऑलरेडी इस क्षेत्र में। सो व्हेन द COVID-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट पीक्ड इन द कंट्री पजेस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर फोकसिंग ऑन मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ एंड इशूइंग गाइडलाइंस टू हेल्प वर्कर्स रिटर्न टू देयर जॉब। कंट्री में हर जगह पे चारों तरफ अगर बात करें या काफ़ी सारी जितनी भी कंट्रीज़ है जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रीबूट किया गया है, स्टार्ट किया गया है, वहाँ पे सभी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि कैसे गाइडलाइंस इशू करने हैं, क्या गाइडलाइंस इशू करने हैं वर्कर्स के लिए, किस तरीके से उनको पुनः कार्य पर बुलाने के लिए, पुनः कार्य पर कार्यरत होने के लिए क्या मेजर्स फॉलो करने की ज़रूरत है। और एट प्रेजेंट, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल पर अगर हम बात करें तो सभी जगह पर वर्किंग स्टाफ जो है कम हो गया है ना, क्योंकि शिफ्टिंग के कारण, माइग्रेंट्स है तो शिफ्टिंग के कारण या और भी इश्यूज के कारण या सेफ्टी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जो है वर्किंग स्टाफ एट प्रेजेंट कम है, शॉर्ट चल रहा है ना। सो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ईदर थ्रू रिसोर्ट टू शिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स टू एनेबल एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम।
अभी क्या ज़रूरत है, अभी एम्प्लॉयर्स की ये ज़रूरत है कि वो एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम लेवल पर जो है अरेंज करें. उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो कैसे भी करके जो नंबर ऑफ़ पीपल है उसे कम रखें अपने वर्क प्लेस पे, या फिर लोगों को शिफ्ट्स में रीस्टोर कर दें कि कैसे जो है डिफरेंट शिफ्ट्स में जो है वर्कर्स को बुलाया जाएगा. अदरवाइज़ घर से कार्य करने की, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जो है उपलब्ध करवाएं. इवन ये कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, बट अब क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस क्षेत्र में लोगों को जो है हम कह सकते हैं एम्प्लॉयर्स को ये ज़रूरत है कि वो एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखें, गाइडलाइन जारी करें और उनके प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखें, जिससे कि उनका वर्क प्लेस भी सेफ और सिक्योर रहे. इसके साथ ही वर्कर्स जो है या एम्प्लॉयज़ जो हम कह सकते हैं वो सेफ और सिक्योरली मोटिवेटेडली वर्क कर सके. ओके, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैड एड्रेस द इशू थ्रू अ मैनुअल ऑफ प्रिवेंटिंग मेजर्स दैट कवर्स ऑल टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस एंड डिपेंड्स हैविली ऑन बिहेवियरल चेंज विथ सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर कन्फाइंड स्पेसेस सच एज ऑफिसेस. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये एड्रेस करते हुए, इस इशू को जो है एड्रेस करते हुए एक मैनुअल जारी किया है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो किए जाने की बात कही है. वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या डिस्कस किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंटली जो है उन हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क करेंगे. ऑल टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस जो है इसमें इंक्लूड किए जा गए हैं. उसके अलावा डिपेंड्स हैविली ऑन बिहेवियरल चेंज. सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको प्रॉपरली वर्क करना है, आपको ऑफिस चलाना, आपको वर्क चलाना, आपको इंडस्ट्री चलानी है, तो आपको लोग चाहिए होंगे. अगर आपको स्टाफ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, लोग चाहिए, तो ये आपकी ज़रूरत है कि आप उनको लेकर सिक्योरिटी मेजर्स को पूरी तरीके से ध्यान में रखें, उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी कार्यवाही को शुरू करें. ठीक है, उसके अंदर पहला जो स्टेप आता है वो आता है बिहेवियरल चेंज. हमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ आदतों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने पर्टिकुलर वर्क स्पेस को जो है सेफ रख सकें, सिक्योर रख सकें. ठीक है, फॉर्चुनेटली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस इज़ अ सेट ऑफ सिंपल मेजर्स. और सबसे बड़ी बात यह है कि लकीली हमारा जो फर्स्ट लाइन थी जो डिफेंस की, कि कैसे कोरोना वायरस से खुद को बचाया जा सकता है, वो सबसे पहली लाइन ही फिज़िकल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड थी. फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, जो कि बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि हथियार है खुद को बचाने का COVID-19 से. इसके अलावा मैंडेटरी यूज़ होना चाहिए फेस मास्क का, आप फेस को कवर कीजिए. उसके अलावा फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए आप सोप से. रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को जो है गाइडलाइंस में जारी किया गया है. उसके अलावा सैनिटाइजेशन और कॉन्टैक्ट सरफेस को जो है सैनिटाइज करने की बात कही गई है. इसके अलावा सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, खुद के हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर कीजिए. तो इन सारे मेजर्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको इस पेंडेमिक से बचाने में पूरी मदद कर सकता है. हमारी ज़रूरत ये है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने एरिया में कार्य कर रहे लोगों को फ्री मास्क फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे सुटेबिलिटी प्रोवाइड करवाएं, और उनको इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दें जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें. इवन उन्हें इतना फैमिलियर कर दें इन सारी चीज़ों से कि वो खुद इन सारी चीज़ों के यूज्ड हो जाएं, है ना. एटलीस्ट 1 मीटर का फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात जो है, इफ़ डू नॉट 2 गज और 6 फीट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडवोकेटेड. नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर एटलीस्ट 1 मीटर तो करना ही चाहिए, अगर आप 2 गज या 6 फीट की दूरी को नहीं कैरी कर सकते हैं तो एटलीस्ट 1 मीटर का आप स्पेस जो है मतलब डिस्टेंस जो है 2 लोगों के बीच में रहिए. ओके, इट डज पोज डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ वर्कर्स इन मैनी प्लेसेस. लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगह है, काफ़ी वर्क प्लेसेस है जहाँ पे स्पेस इतना नहीं अवेलेबल होता है,
वर्कर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू स्पेस, तो उसके अंदर मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर्स जो है उनको ये ध्यान में रखना होगा कि उन्हें खुद की सेफ्टी कैसे रखनी है, और इसके अलावा वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी कैसे रखनी है। ओके, एम्प्लॉयर्स को ये भी ध्यान में रखना होगा कि कैसे उन स्टाफ को ही बुलाया जाए जिनका आना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके अलावा लीगल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक सेफ़ अटेंडेंस के रूप में वर्क करना होगा, सेफली स्टाफ अटेंडेंस को के तौर पे वर्क करना की और वर्क करना होगा। उन्हें ध्यान में रखना होगा कि हमें शिफ्ट्स अरेंज कर देनी है जिसके तहत हम लोगों को मिनिमम लोगों को जो है गैदर करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, या 50% तक गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इवन, और प्राइवेट ऑफिसेज में भी 50% तक जो है हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एक समय पे एक जगह पे एकत्रित हो सकते हैं, मतलब एकत्रित मतलब वर्क प्लेस पे आ सकते हैं। उसके बावजूद, अच्छा, वर्क प्लेस पे 50% का आने का मतलब ये नहीं है कि वो सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारी हैंड वॉशिंग सॉरी मास्क जो है वो, और हैंड सैनिटाइजर्स, इन सबको फॉलो करना, इन सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करना, इन नॉर्म्स को फॉलो करना, ये तो एक कंपल्सरी एलिमेंट है आपकी लाइफ का, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। सो फेल्योर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग मोर सो इज इन अ पुअरली वेंटिलेटेड क्लोज एनवायरनमेंट गिव्स द वायरस अ फ्री रन। और यदि ऐसा होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं, डिस्टेंसिंग को के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, या आप वेंटिलेटेड जो है वेंटिलेशन जो है आपका पुअर है, तो इन सारी कंडीशन को देखते हुए ये श्योर है कि वायरस को एक बहुत अच्छा और खुला वातावरण मिल जाएगा फैलने के लिए, ठीक है। इस COVID-19 को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा खुद को स्प्रेड करने के लिए, खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए। सो जैसा कि ऑलरेडी हमने चेन्नई के होलसेल वेजिटेबल मार्केट में देखा था, है ना, जो कि देखने को मिला था हमें। सो सेंटर्स प्रोटोकॉल फॉर सिम्टोमेटिक केसेस इन द वर्क प्लेस रिक्वायरिंग टेस्टिंग एंड वेयर वॉरंटेड क्वारंटाइनिंग ऑफ बोथ दी वर्कर्स एंड क्लोज कॉन्टेक्ट्स। ये सेंटर के प्रोटोकॉल्स है, सेंटर के प्रोटोकॉल के मुताबिक जहाँ पर भी सिम्टोमिक केस है वर्क प्लेस पर, वहाँ ये ज़रूरत है कि उनकी टेस्टिंग हो। इसके अलावा वारंट जारी किया जाए जहाँ पर भी ज़रूरत है, जहाँ वारंटेड है वहाँ पर क्वारंटाइन अवेलेबल हो, और जहाँ पर वर्कर्स और जो उनके कॉन्टेक्ट में आए उन सभी को जो क्वारंटाइन करने की नीड है, और एटलीस्ट 2 दिन जो है उस ऑफिस को क्लोज किया जाएगा, क्लोजर रखा जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें करने से, इन सारे मेजर्स को फॉलो करने से एटलीस्ट एम्प्लॉयर जो है वो खुद को भी सेफ कर सकता है, और अपने ऑफिस में वर्क कर रहे सभी लोगों को सेफ कर सकता है, ठीक है। सो ये इन सब की ज़रूरत है वो खुद को बचाने और खुद के वर्क प्लेस को बचाने को और खुद की एक्टिविटीज़ को रीजनरेट करने के लिए एम्प्लॉयर्स की ये ज़रूरत है कि वो इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करें जो कि किसी भी तरीके से उनके वर्क प्लेस को इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ एवर डज नॉट डिवॉल्व एंटायरली ऑन ऑफिसेज एंड एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिसेज या एस्टैब्लिशमेंट्स पे नहीं आती है, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी अदर एक्टिविटीज़ जो आप ऑफिस के लिए फॉलो करें, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारी नीड है जहाँ जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ सभी जगहों पर COVID-19 से निपटने के लिए इन सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स को, सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। इवन कुछ इंस्टीट्यूशंस ने तो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है उसे भी मैंडेटरी बना दिया है, एम्प्लॉयज़ को जो है अपने कार्य पर उस ऐप को यूज़ करना ही होगा, आपके फ़ोन में वो ऐप होना ही चाहिए, ठीक है। वेन द लीगल बेसिस ऑफ दिस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रिमेन्स शेकी। देखिए लीगली तो अगर हम बात करें, देखिए काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कॉम्प्लिकेशन आरोग्य सेतु को लेकर, जो है काफ़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है, अपोजिशंस काफ़ी ऐसे ऐसी बातें की जा रही है अपोजिशंस द्वारा कि भाई ये ऐप जो है टेक्निकली दैट इज़ नॉट गुड, परफेक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये ऐप जो जनरेट कर रही हैं, जो कंडक्ट कर रही हैं, जिनके अंडरटेकन ये ऐप है, उन सभी अथॉरिटीज़ ने ये प्रूव कर दिया है, इवन ये अनाउंस कर दिया है कि दिस इज़ ऐप इज़ पर्टिकुलरली
वेरी आई कैन से सेफ ऐप. इट इज़ अ सेफ ऐप एंड वी कैन यूज़ इट एट एनी टाइम एट एनी प्लेस. इवन वाई वी शुड यूज़ इट, वी कैन नहीं, वी शुड यूज़ इट फॉर एनी पर्पज़. ओके, आपके इन एनी कंडीशन आपके फ़ोन में अगर ये ऐप है सो इट इज़ यू आर सेफ एट ऑल. अनसेफ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है. सो पेंडेमिक के इस दौर में हमारी ज़रूरत है कि हम जो है केसेस को बढ़ने से रोके, और उसे रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ये हमारी ये ज़रूरत है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करें जो ऑलरेडी हमें जो है इस तरीके की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर चुके हैं, जहाँ हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को भी सॉर्ट आउट करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना है, खुद के सर्वाइवल के लिए भी और देश के सर्वाइवल के लिए भी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होना है. लेकिन ये ध्यान रखते हुए इन्वॉल्व होना है कि हमें अपने आप का और अपने परिवार की और अपने आस पड़ोस की सुविधा का पूरा ध्यान में रखना है, उनकी सिक्योरिटी को, उनके सेफ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है. ओके, सो इट इज़ आर रिक्वायरमेंट टू गो फॉर अ प्रॉपर एंड सेफ वर्क प्लेस. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अ होल इन द वर्ल्ड. होल इन द वर्ल्ड ये भी पेंडेमिक से रिलेटेड है, हेल्थ केयर सर्विसेज पर बेस्ड है. हेल्थ केयर सर्विसेज कैन नॉट बी अलाउड टू बी ओवरवेलम्ड बाय द पेंडेमिक. ये देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज पर बेस्ड है पूरा आर्टिकल, जिसके अंदर COVID-19 के तरफ जो है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, हेल्थ केयर की तरफ जो हमारा जो हम कह सकते हैं टारगेट है, या हमारे जो मिशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है. इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसका जो कंक्लूजन है वो बताऊँ, तो इफ़ लाइफ आफ्टर COVID-19 इज़ नॉट टू बी वर्स देन लाइफ बिफोर द पेंडेमिक, द गवर्नमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन COVID-19 के से बाद में भी उतना बुरा ना हो जितना पहले हुआ है, इवन सेफ एनवायरनमेंट में आप रहना चाहते हैं, तो द गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर दैट कंट्रीज मल्टी लेयर्ड हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट सेक्रीफाइज एट द अल्टर ऑफ वन वायरस. दे नीड टू गिव इट देयर होल अटेंशन. सो गवर्नमेंट्स की ये ज़रूरत है, उनको ये श्योर इंश्योर करना होगा कि कंट्री किसी भी लेवल पे हेल्थ जो है हेल्थ सिस्टम में, जो कि मल्टी लेयर्ड है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसमें एक प्रॉपर अपना ढांचा तैयार करके उसके अंदर प्रॉपरली वर्कआउट करे. देखिए हेल्थ सिस्टम पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये जो पेंडेमिक है, ये जो एक वायरस है जो पूरी तरीके से हमें प्रूव कर चुका है गलत, हेल्थ सिस्टम को गलत प्रूव कर चुका है, हेल्थ सर्विसेज को गलत प्रूव कर चुका है, तो हमारी ज़रूरत है कि हम खुद को स्टैब्लिश करें. और इस वायरस से ओवरकम करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, सो वी शुड गो फॉर इट, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गो फॉर इट. और बिकॉज हमें पता है कि 20 लाख करोड़ रुपीज़ के पैकेज में बहुत अच्छा जो है पैकेज हमें ऑलरेडी हेल्थ केयर सर्विसेज में दिया गया है, तो सरकार की ज़रूरत है कि वो और भी इसके ऊपर कार्य करे. जैसे कि हमने और भी काफ़ी सारी बीमारी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया है, और इवन उन्हें सॉल्व सॉर्ट आउट भी किया है. तो इन सब अचीवमेंट्स के बाद में, इन सब सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद में, ये हमारी ज़रूरत है कि हम इस COVID-19 से ओवरकम करके एक नए जो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की कोशिश करें, और हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज को किसी भी लेवल पे नीचे ना गिरने दें, ठीक है. सो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, उसके लिए कार्य करना ज़रूरी है, उसके लिए स्पेशल रूल्स या नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ग्रेस्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जैसा कि रिसेंटली सेल्फ रिलायंस नेटल से रिलेटेड बात की गई. सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड PM मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी ऑर्गेनाइज अनाउंस किया है, और एक ऑर्गेनाइज किया है सिस्टम को जिसके अंदर पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंस बेस्ड सिस्टम होगा, है ना. हमने MSMEs या जो जो छोटे गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, उन सबको उन्होंने जो है अच्छा पैकेज भी दिया है अपने स्टिमुलस पैकेज के तहत. तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ाना. तो आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं डिफेंस एरिया में भी फॉलो की गई है, जैसा कि ऑलरेडी निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जो हमारा डिफेंस एरिया है, हम लोग मैक्सिमम लेवल पे वेपन्स जो है वो खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं हम, जिससे कि हमारी
जो हम कह सकते हैं खुद की एबिलिटीज जो है वो बाहर आएगी। इवन हम सिक्योरिटी मेजर से अगर बात करें, सिक्योरिटी के तौर पे अगर हम बात करें, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। देखिए ये क्वेश्चन हर एक हम कह सकते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी काफ़ी टाइम से आता है कि जब हम बाहर से सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, बाहर से टैंक्स परचेज़ कर रहे हैं, बाहर से मिसाइल्स परचेज़ कर रहे हैं, बाहर से वेपन्स परचेज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी या डिफेंस रिलेटेड सारे इक्विपमेंट जो हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, कि उन्होंने इन हाउस प्रोडक्शन किया जाए उनका। क्योंकि बाहर से परचेज़ करने में हमें वो नहीं मिल रहा है, हमारी सिक्योरिटी जा रही है, हमें वेपन्स और ये सब चीज़ें मिल रही है, लेकिन जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उसे ये पता है, उस कंट्री को ये पता है, उस एरिया को ये पता है, उस डिफेंस सिस्टम को ये पता है कि हमारे पास में क्या इक्विपमेंट्स है और हमारी दौड़ कहाँ तक है। वो उससे और ज़्यादा पावरफुल वे में हमें बीट करने की कोशिश कर सकते हैं। और डेफिनेटली वी आर गोइंग थ्रू ऑल दीज इश्यूज़, है ना। हम लोग ऑलरेडी इन इश्यूज़ को इनडायरेक्टली चाइना से कह लो या और भी कंट्री से, हम काफ़ी बार कई बार ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं जहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि इस क्षेत्र में हमें स्वयं से खुद से कार्य करने की ज़रूरत है। और अब तो एक बहुत अच्छा मौका दिया है हमें, ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इवन इस पेंडेमिक ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है जिसमें हम जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे इक्विपमेंट्स को, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे इम्पोर्ट को, इवन स्पेशली वेपन्स को। एंड उसको रोकने के लिए ज़रूरत है कि हम इन हाउस प्रोडक्शन करें, मतलब हम अपने ही देश में इस क्षेत्र में कार्य करें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेरी वेल अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं हमारे लिए एक एरिया क्रिएट किया गया है सरकार द्वारा। और डेफिनेटली डिफेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो अपने आप में सिक्योरिटी और मेजर्स होना या हम कह सकते हैं सीक्रेट मेजर्स ज़रूरी है। डिफेंस एरिया में आपका सीक्रेसी भी ज़रूरी है, इवन सीक्रेट मेजर्स के साथ में आपको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। जो दोनों ही चीज़ें इंपोर्ट करने में, वेपन्स को इंपोर्ट करने में, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने में जो है कहीं पर भी नज़र नहीं आती हैं। हमारी ज़रूरत है कि हम डिफेंस एरिया में वर्क करें, और कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ रिलायंस का पोर्शन है ये हमारे डिफेंस को एक बहुत प्रॉपर वे में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है अगर हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करें। सरकार का ये जो कदम है इस दौर के अंदर, इस मुसीबत की घड़ी में ये जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी मेजर्स को, सिक्योरिटी कंसर्न्स को, राष्ट्र स्तर पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को फॉलो करते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, जिस पर डिफेंस एरिया को, इवन वेपन क्रिएटर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को इस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। डिफेंस प्रोडक्शन को जो है इस क्षेत्र में स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ाते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को कम करते हुए ये हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है। बहुत अच्छा जो ये हम कह सकते हैं टॉपिक है, बहुत अच्छा आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर सारे जो है ये क्या कह सकते हैं इसको हाइलाइट्स जो है वो मैंने आपको इसके अंदर दिए हैं। स्टिल इफ़ यू वॉन्ट दिस हाईलाइटेड पोर्शन, इफ़ यू वॉन्ट दिस PDF, यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम ऑन आर चैनल, आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। अचीव IAS नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये न्यूज़पेपर जो है प्रोवाइड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। ओके okay? अब हम बात करेंगे हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एंड इकोनॉमी, कैसे पब्लिक हेल्थ जो है वो किसी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। ये आप खुद से लेंगे इस आर्टिकल को, बिकॉज बहुत इजी आर्टिकल है, कैसे सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए, पब्लिक हेल्थ को फॉलो करते हुए इकोनॉमी को अपग्रेड किया जा सकता है। देखिए किसी भी इकोनॉमी का जो एक कोर एरिया होता है ना वो पब्लिक हेल्थ होती है, पब्लिक होती है। तो पब्लिक जब तक स्वस्थ नहीं रहेगी वो एरिया में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, है ना। उस एरिया में प्रॉपर वर्क करने के लिए, उस क्षेत्र में प्रॉपर वर्क करने के लिए वी नीड टू गेट हेल्दी। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक नई स्कीम जो कि छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है, एंड इस स्कीम के तहत नया जो लॉन्च स्कीम है इस स्कीम के तहत जो एग्रीकल्चर एरिया जो है वो कवर करेगा, फार्मर्स की स्कीम है ये, और इसने राजीव गांधी किसान न्याय
योजना जो है उसको ओवरकम करते हुए इस या हम कह सकते हैं उसको किक करते हुए, किक आउट करते हुए, उसी को किक आउट किया हमने, मतलब उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए कुछ नए इनोवेटिव जो है या नए इनिशिएटिव जो है वो इस गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम में प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, इसके तहत 13,000 पर एकड़ जो है सालाना सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और काफ़ी सारे और भी जो स्पेशल जो स्कीम कवर, ये जो स्कीम है ना काफ़ी स्पेशल जो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड को कवर करती है, जैसे कि शुगर केन, मेज, राइस, स्पेशली इन एरियाज़ को कवर करती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अगर आप इस आर्टिकल में पढ़ेंगे यू विल डेफिनेटली गेट इट। ओके, सो मेजरली 13,000 रुपये पर एकड़ पर सालाना जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई ये स्कीम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है एज़ केसेस पीक, जैसे कि केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए बिहार की हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि संजय कुमार, जो कि 1990 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उनको इमिडिएटली जो है उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ट्रांसफर्ड प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी संजय कुमार विद इमीडिएट इफेक्ट। ओके, मिस्टर कुमार हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। जो यहाँ पहले थे मिस्टर कुमार, उन्हें स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये जो है एडिशनल चार्जेस, जो जब तक न्यू अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक एडिशनल चार्जेस जो दिए गए हैं वो मिस्टर कुमावत को दिए गए हैं, और जो कि पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन में या रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्यरत हैं, और उन्हीं के तहत ये कार्य आगे देखा जाएगा जब तक कि न्यू अपॉइंट ना हो जाए। संजय कुमार, मैं आपको बता देती हूँ कि वो 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अपने आप में काफ़ी टफ टास्क मेकर और बहुत अच्छे जो है हम कह सकते हैं एक वर्क एम्प्लॉय माने गए हैं, या अपने आप में एक बहुत अच्छे ऑफिसर, एम्प्लॉय कहना एक गलत वर्ड है IAS ऑफिसर के लिए, या अपने आप में एक बहुत बड़े ऑफिसर के रूप में आज तक खुद को प्रूव करते हैं। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब आप खुद कोई कुछ डिसीजंस जो है नहीं ले पाते हैं, इवन कई बार आपको जनता से सपोर्ट नहीं मिलता, हो सकता है ऐसी कुछ कंडीशंस हुई रही हो उनके साथ में, बट स्टिल उन्हें जो है इमिजिएटली ट्रांसफ़र कर दिया गया है एंड एडिशनल चार्जेस जो है वो मिस्टर कुमावत को दे दिए गए हैं। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट दी बिहार पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी। सो उम्मीद करती हूँ आज हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। सो यूके, देखिए यूके का ट्रायल हो रहा है, फायर ड्रग्स पर जो है ट्रायल कर रहे हैं, वो टेस्ट एफिशिएंसी ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। और 170 हॉस्पिटल्स में इसका ट्रायल चल रहा है, एक्सरसाइज की जा रही है COVID-19 के इस पैंडेमिक से ओवरकम करने के लिए, काफ़ी ड्रग्स पे वर्क भी चल रहा है। सो लेट्स सी कहाँ तक ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता है, बिकॉज वैक्सीनेशंस को लेकर या मेडिसिन को लेकर काफ़ी हम लोग पैनिक हैं इन दिनों, क्योंकि लंबे समय से COVID-19 के आने के बाद हमारे पास में इसका कोई एंटीडोट अब तक कोई भी कंट्री, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी हेल्थ सेक्टर नहीं निकाल पाया। सो इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि हम इससे ओवरकम कर पाते हैं या नहीं, इसकी वैक्सीनेशन जारी होगी या नहीं, क्या कोई पेंडेमिक ऐसा हो सकता है जिसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के पास या मेडिकल डिपार्टमेंट के पास में कोई वैक्सीन या एंटीडोट ही ना हो, इवन किसी भी कंट्री के पास में, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, किसी भी कंट्री के पास में जो इतना सफ़र कर रही है ऑलरेडी इस कोविड से, उसके पास में इस कोविड से निपटने के लिए कोई एंटीडोट या वैक्सीन नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है ना। सो लेट्स सी क्या होता है, कितना, कौन सी कंट्री जो है इसके अंदर टॉप कर पाती है, कौन सी कंट्री खुद को प्रूव कर पाती है, एंड कौन सी कंट्री जो है एफर्टलेस एफर्ट्स जो है हम कह सकते हैं उसको, बेसिकली देखिए हमें अभी एट प्रेजेंट जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है वैक्सीन, एंटीडोट्स, इसके अलावा सोशल नॉर्म्स या डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स या जो हेल्थ मेजर्स जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है वो सब हमारे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। तो इन सबको जब तक हमें कोई वैक्सीन या एंटीडोट नहीं मिल जाता, हमें इन सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना सख्त ज़रूरी है। सो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ हैं और आप वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू कि आप
हेल्थ मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रॉपरली जो है हर क्षेत्र में कार्य करें, और अपनी सिक्योरिटी रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप भी नहीं कर सकते हम, और उसी के साथ में हमें खुद की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें खुद की हेल्थ को भी ध्यान में रखना होगा. ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. ये आज का एनालिसिस था. जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको होमवर्क दे चुकी हूँ ऑलरेडी. यू हैव टू डिस्कस ऑन LAC. So go ahead and I'm waiting for your replies and answers. Give me your replies so that I can get it कि हाँ आप मुझसे interact कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप positive way में आगे बढ़ रहे हैं. Okay, thanks for being with me. Bye bye, take care, have a great day.